नमस्कार आदाब, मैं हूँ बात भारती और आप देख रहे हैं और देख सकते हैं कि आज जयपुर में आयोजन हुआ है जय जगन्नाथ यात्रा का, जो कि मंदिर से शुरू होकर चौहान स्टेडियम में जा रही है। आइए हम बात करते हैं आगे लोगों से, क्या कहना चाहेंगे आप आज यात्रा के बारे में? ये जगन्नाथ शोभा यात्रा सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए की जा रही है, ताकि हमारे भगवान श्री कृष्ण की महिमा खूब खूब आगे बढ़े। हम सबको बहुत जगन्नाथ में मजा आ रहा है बापू जी के सानिध्य में। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, बापू जी सरकार की। जाएगी ये यात्रा गोविंद देव जी से आरंभ होती हुई चौगान तक जाएगी। इसका हर साल आयोजन होता है? जी जी, हर साल आयोजन होता है। इतने ही जितने लोगों के? बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों को सबको बहुत मजा आ रहा है और हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी जयपुर में ये यात्रा होती रहे और हम सभी लोग एंजॉय करते रहे। हम माँ से 14-15 सालों से जुड़े हुए हैं, हमेशा आते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है और माँ बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, दर्शन करते हैं। मधुसूदन बाबू जी बहुत अच्छा रास्ता दिखाया उनके लिए। आगे जो मेन गुरु हैं जय जगन्नाथ यात्रा के, उनके पास चलेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर इस यात्रा के बारे में? देखिए, ये जो आज की शोभा यात्रा है, ये हमारे सनातन धर्म की प्राचीन परंपरा के अंतर्गत है और इसमें हजारों हजारों लोग आज भगवान की शोभा यात्रा में है और भगवान आज जयपुर वासियों को बाहर आकर दर्शन दे रहे हैं कृष्ण बलराम, और ये हमारे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि आप देखेंगे इतने सारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे बच्चे, युवा युवतियां और वृद्धावस्था के लोग पूरे परिवार के सहित एक उत्सव के वातावरण में आज जयपुर नगरी में जो है, जो गोविंद देव की नगरी है, उसमें गोविंद देव स्वयं पधारे हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए और ये हम पर उनकी असीम 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 कृपा है। अरे ये यात्रा कब से निकलती हुई आ रही है? देखिए, यहाँ तक ये यात्राओं का संबंध है तो ये तो प्राचीन काल से हमारी यात्राएं निकलती है और इसमें सबसे प्रसिद्ध यात्रा जगन्नाथपुरी की है जो हजारों सालों से निकलती आ रही है और नाना प्रकार की हमारे यहाँ यात्राएं निकलती, कभी राम बारात के रूप में, कभी शिव जी की बारात के रूप में, कभी सर इसका जो होता है आरंभ ये गोविंद देव जी से होती है हमेशा की तरह? जी, ये गोविंद देव जी से होती है क्योंकि हम सबों के प्राण आधार गोविंद देव जी है और उनकी कृपा से ये सब हो रहा है। Thank you.